हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज ब्रेकफास्ट में है आलू के पकोड़े, जो ब्रेड वाले होते हैं ना, वो ब्रेड पकोड़ा, ठीक है। और चटनी जो दही वाली होती है, मेयोनीज सॉस, चाय और कोको। ले मेरा चना के जाके बैठ जाता है। मम्मा मेरे को भी दे दो, मेरे बगैर तो आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं है। ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ ब्रेकफास्ट रखा है, यहाँ ये बैठा और ये बैठा ही रहेगा ऐसे ही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। पतला कर रही है तो बहुत ही यम्मी। अंदर की जो स्टफिंग है ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। आलू की और चीज की एक स्लाइस बहुत ही बढ़िया लग रही है। देखो ये बेचैन है, चुप में बैठो, डर लग रहा है सब। ऊपर आना है, ऊपर आने के लिए करता है ऐसे। पापा अभी पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद पापा का भी ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ। वो भी ब्रेकफास्ट करेंगे, वो नहा धो के ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं बिगर नहाए धोए सुबह उठी, फ्रेश हुई, उसके बाद सीधा नाश्ता, उसके बाद रेडी होंगे हम। तो हमारा जो रूटीन है ना, वो यही है। मैं रेडी बाद में होती हूँ, पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। पापा जो है उनका क्या है, वो पहले अपना नहाना धोना करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे घर में सब उल्टे सिलते हैं और आज बच्चे सो रहे हैं अभी तक। रूम दिखा गया ना, अभी तक सो रहे हैं। वैसे भी आज संडे है ना, कोई नहीं, जीत को। कोको उठा के आओ, उठा दो ध्रुव भैया को। कोको ध्रुव भैया को उठा दो, उठ गए, देखो उठ गए ध्रुव भैया, ध्रुव भैया उठ गए। तो देखो एक सदस्य जो हमारे घर में है, वो सारे मेवे मिष्ठान छोड़ के क्या खाते हैं, चटनी से रोटी। दिखे दिखे चटनी से रोटी, मलाई लगा के चटनी से रोटी। ऐसा क्यों? ये अच्छा लगता। तो ये सैंडविच, ये जो बने थे पकौड़े सकोड़े, ये क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हारी? मैं नहीं खा रही, मैंने खा लिए। मतलब सोचो, सब लोग ये सोचते होंगे कि ये इनके लिए नहीं बनते हैं क्या? इनके लिए सब बनता है, सब इन्हीं के लिए बनता है, मगर ये खाते नहीं है। खाएंगे चटनी से रोटी, सब्जी से रोटी, बस इन्हें ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। तो क्या करें, हमारे घर की ये कहानी है। आज भाभी जी फेशियल करा रही हैं, क्योंकि भाभी के दूसरे पार्लर की ओपनिंग है। हाँ, इसीलिए फेशियल करा रही है। अपनी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है भाभी। बहुत बढ़िया जो ये कर रही है ना, इनको भी दिखाओ, देखो कितना बढ़िया करती है ये। बहुत बढ़िया स्टेप डाल रही है, बहुत अच्छा फेशियल कर रही है, बहुत ही रिलैक्स वाला। और अभी मैं हेयर कलर कराऊंगी, वैक्सिंग कराऊंगी, आज मुझे बहुत सारा काम कराना है, पेडिक्योर कराऊंगी, क्योंकि नए वाले पार्लर में ओपनिंग करनी है। हाँ। डेंटिंग पेंटिंग करके, बिल्कुल। ये सुन के भी सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। पता है, मैंने वीडियो में बता दिया कि पार्लर की ओपनिंग हो रही है और पार्लर दिखाया भी था। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं सब लोग, कस्टमर भी तो कितने खुश हो रहे हैं। कस्टमर खुश हो रहे हैं, पता, कॉल आने लगी वही। हाँ। कि भाभी आप हमारी साइड में पार्लर खोल रही हैं। चलो पहले मैं अपना करा लूं, फिर बात करूंगी। ठीक है, ओके। तो मैंने अपना फेशियल करा लिया और बहुत ही प्यारी स्किन हो गई है, आप लोग देख सकते हो। तो ये तैयारी चल रही है न्यू पार्लर की, है ना, पार्लर ओपनिंग। तो बच्चे भी अपनी कुछ ना कुछ करने पे लगे पड़े हैं। मैं लोगों को भी कह रही हूँ कुछ अपना भी कराओ, तुम लोग फेशियल कराओ, ये कराओ, वो कराओ। और मैंने भी अपनी वैक्सिंग वगैरह सब चीज कराई है, सब थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा काम करा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग उधर का पार्लर ओपन करेंगे। और आप लोगों का प्यार और दुआएं हैं जो इतनी जल्दी से दोबारा हम लोगों ने सोचा, क्योंकि पता है कोरोना के टाइम पे मैंने सोचा था दोबारा मतलब पार्लर दूसरा खोलने की, बट वो बीच बीच में लॉकडाउन वगैरह लगा ना, तो उससे मन बहुत खराब हो गया था। फिर उसके बाद में अब हम लोगों ने फिर दोबारा से सोचा, तो बहुत जल्दी, एक डेढ़ महीने पहले सोचा था और तुरंत से बनवाना शुरू कर दिया, तो बहुत जल्दी से तैयार हो गया। बबली, आर यू हैप्पी? यू हैप्पी?
बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ जल्दी से पार्लर की ओपनिंग हो। हम खोलने वाले थे लेकिन क्या करें, कोरोना आ गया। तो कोरोना आ गया था ना, तो उस टाइम तो पक्का हो गया था खुलना, तैयारी पूरी थी बिल्कुल, बट कोरोना में दो बार लॉकडाउन लगा तो फिर कैंसिल हो गया। कोई नहीं, हमारा सपना पूरा हो गया, क्योंकि पता है हर चीज का एक टाइम घड़ी होती है, वो उससे पहले नहीं होता था। अभी खुलना नहीं था, खुलना नहीं था, वही तो सही जगह पे खुलना था। तो हाँ, अब जो हमारी जगह है ना वो बहुत प्यारी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप लोगों की दुआ रही तो, आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत कुछ अच्छे से चलेगा। तो चलिए, यही सबके लिए ये सब तैयारी चल रही है, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। आशीर्वाद देते रहना, और क्या, इन लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा, हमारा भी आशीर्वाद है आप लोगों का, बबली का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। चलो सही है, तो मैं आई हूँ, ये म्यूजिक बंद कर दो जरा। तो मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाले पार्लर पे इन लोगों को लेके। हेलो, तो पता है हम लोग कुछ कुछ सामान जो है वो रख रख के आएंगे, फिर हमारा अभी और भी क्योंकि सेटिंग होनी है पार्लर की, और हमारी बहुत जल्दी ओपनिंग है पार्लर की, एक दो दिन में ही। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सामान ना हम लोग जितना हमें याद आता चला जा रहा है वो हम बच्चों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पार्लर तो उतना उतना हम ले लेके जा रहे हैं गाड़ी में। और सुबह से पापा उसी पार्लर के चक्कर में अपना सारा काम छोड़े पड़े थे। पापा कैसा लग रहा है? टांगों में बहुत दर्द हो रहा है ना? मैं मेरे पापा को रेस्ट बताया है, और जिस दिन से रेस्ट बताया उस दिन से ही मैंने दब के उन्हें काम पर लगा रखा है। बेचारा भाई, सॉरी पापा, पापा सॉरी। हाँ, तो पता है हम लोग जा रहे हैं पार्लर पे, अपने नए वाले पार्लर पे, ठीक है। उसके बाद जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे, इन्होंने ना पूरी सफाई वगैरह सब करा दी, हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें जाके सामान एडजस्ट करना है और अपना पार्लर शुरू कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा चल रहा है काम धाम, तो बताते हैं आप लोगों को, दिखाते हैं वहाँ पे जाके कि कैसा लगा। बच्चों से पूछेंगे आज कि कैसा लगा पार्लर में, क्यों भाई कैसा लगेगा तुम्हें पार्लर? इन्हें तो यही पार्लर बहुत अच्छा लगता है जो है। भाभी हमें तो यहीं रहने दियो। तो हम आ चुके हैं अपने पार्लर में, एंट्री हो गई कन्याओं की, ये हो गया मैनिक्योर पेडिक्योर। इस पे बैठ के देखिए जरा, झूल जाएंगे के बाल? सबसे पहले हेयर वॉश ही देखना पड़ेगा भाई। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हेयर वॉश का हो गया, ये मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया। इस रसोई खोलो, देखो यहाँ से गेट, ये हमारी किचन हो गई छोटी सी, देखो कितनी सी है। जाइए अंदर, तुम तो आ रहे हो सर। हाँ, तीनों आ गई तीनों। और ये हमारा टॉयलेट है, देखो इधर क्यों लाइट लाइट ऑन करो। ये इधर हमारा टॉयलेट आ गया, हैंगर वैंगर, ये इधर की साइड में स्टोरेज आ गई, ये सारे में यहाँ पे स्टोरेज आ गई। हाँ ठीक है, ये हमारा मंदिर आ गया। वाओ, देखो मंदिर कितना प्यारा लाया, छोटा सा मंदिर। ये हमारी दो सिटिंग इधर आ गई, और क्या कहते हैं, दो सीट हमारी इधर आ गई, दो सीट हमारी अंदर चली गई, और दो हमारे कैबिन आ गए। देखो इधर आके कैबिन देखो, ये दो हमारे कैबिन आ गए, ठीक है। दो सीटिंग इधर आ गई, तो छह सीटिंग का रखा है अभी हमने। अगर हमें कम लगेगा या काम हमारा जैसे जैसे चलेगा उस तरीके से हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो अभी मैं दो दो तीन तीन करके ही बच्चों को ला रही हूँ, ताकि अच्छे से। हेलो एवरीवन, इधर आ जाओ। हाँ, तो हम जो है यहाँ पे बिल काटेंगे सबका, बताइए सर। वो लाइट जला दो नीचे से, नीचे नीचे नीचे, दबाओ ना, गिरोगी ना। तो वो नहीं है, ऑन है। हाँ, बोलो ऑन है। तो तार हटा गया क्या? चलो बताओ कि चलो। तो बच्चों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया। हमारे उधर के पार्लर से तो खैर ये छोटा है, क्योंकि हमारा उधर का पार्लर तो बहुत बड़ा है, बट हाँ ये है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग अभी छह चेयर के साथ में की है, बाकी हम धीरे धीरे करके चेयर बढ़ाएंगे। और अभी स्पेस हम लोगों ने ज्यादा रखा है, क्योंकि चलने फिरने की जगह ज्यादा रहनी चाहिए, बहुत दिक्कत आती है फिरने तो काम करने में, है ना। तो इस तरीके से बनाया। कैसा लग रहा है सबको? बढ़िया लग रहा है, इंटीरियर अच्छा लग रहा है। और देखो ये मेरी पीछे की दीवार इन्होंने कितनी सुंदर बनाई है, वाओ। ये मेरे रिसेप्शन की वॉल, ये नहीं देखी थी मैंने, ये कब लगवाई है? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, ये नहीं देखी थी मैंने। कुछ ना कुछ नया नया कराया जा रहा है। ये स्लैब भी अभी डली है, उस दिन मैं आई थी तो कह के गई थी, तो ये वाली स्लैब डली है। इन स्लैब की वजह से दोबारा पेंट कराना पड़ा। अरे भाई इधर भी पूरे कितना काम बढ़ा दिया है। अब हम अपना सामान एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ने सामान लगाना, बाद में तो जेंट्स की एंट्री बंद, बाद में तो जेंट्स की एंट्री बंद, बिल्कुल। अभी देखो, हाँ तो अभी तो हम सेट कर रहे हैं बस, और फिर उसके बाद परसों से स्टार्ट। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर। कैसा लगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया, पता है इतना अच्छा लग रहा था। चलते अब तो पता है लाइटें वाइटें जला के बहुत ही प्यारा लग रहा था ना। अभी हम लोग इनको लेके जा रहे हैं,
अब हम दूसरे बच्चों को घर लेके आएंगे बिल्कुल दिखाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को भी दिखाना है और थोड़ी सी सेटिंग वगैरह भी करेंगे। तो ऐसे ही हम थोड़े थोड़े बच्चों को अपना आगे पीछे लेके आते रहेंगे और फिर मिलेंगे आपको ओपनिंग में। ठीक।